हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तुषार सिसोदिया। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम एमसीक्यूज ऑन सॉलिड स्टेट, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट। तो एक एमसीक्यू की सीरीज, बहुत अच्छी सीरीज। इसमें लगभग तुम्हें 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके आंसर्स कितने तुम्हारे सही होते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड। इनमें से कौन अमरफस सॉलिड है, डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास या कॉमन सॉल्ट? जल्दी से आंसर बताइए इसका। मैं इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ग्लास। ग्लास एक अमरफस सॉलिड होता है। डायमंड, ग्रेफाइट और NaCl, कॉमन सॉल्ट, ये तीनों क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रेंकल डिफेक्ट बिकॉज। एल्कली हैलाइड में फ्रेंकल डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता, क्यों? तो इसके ऑप्शंस हैं, कैटाइन एंड एनाइन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। जो कैटाइन और एनाइन होते हैं उनका साइज लगभग लगभग बराबर होता है। और दूसरा है ऑप्शन, देर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटाइन एनाइन। तीसरा है, कैटाइन एंड एनाइन हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके कोऑर्डिनेशन नंबर कम होते हैं, या एनाइन कैन नॉट अकोमोडेटेड इन वॉइड्स। तो इसका आंसर बताइए जल्दी। तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर, कैटाइन एंड एनाइन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज, क्योंकि फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए कैटाइन और एनाइन के साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, तो इसलिए एल्कली हैलाइड फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करते, क्योंकि उनका साइज कैसा होता है, लगभग इक्वल होता है। कैटाइन एंड एनाइन हैव ऑलमोस्ट इक्वल साइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रेंकल डिफेक्ट। इनमें से कौन सा क्रिस्टल फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा AgBr, AgCl, KBr या ZnS। आंसर बताइए इसका, AgBr, AgCl, KBr या ZnS। तो इसमें मैं बता दूं तुम्हें, इसमें जो KBr है, KBr शॉर्ट की डिफेक्ट दिखाता है, ना कि फ्रेंकल डिफेक्ट। बाकी AgBr, AgCl और ZnS तीनों हमें फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। किसके अंदर सबसे अच्छी पैकिंग होती है, HCP-BCC या HCP-CCP या BCC-CCP या BCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल? जल्दी से आंसर बताइए। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, HCP एंड CCP, HCP एंड CCP। इसके अंदर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग होती है, लगभग 78% की पैकिंग एफिशिएंसी इसमें होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम शुड बी डोप्ड विद। हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर लेने के लिए, बनाने के लिए जर्मेनियम को किसके संग डोपिंग करवानी पड़ेगी, गैलियम, अर्सेनिक, एल्यूमिनियम या बोरोन? आंसर बताइए इसका, जल्दी से आंसर बताइए। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम ग्रुप 15 के साथ क्या कराते हैं, डोपिंग कराते हैं, और ग्रुप 15 का एलिमेंट है इसमें अर्सेनिक। ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो है अर्सेनिक। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्सेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। इनमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए एक सब्सटेंस को एग्जिट करने के लिए सॉलिड स्टेट में, किसी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में बने रहने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी या वीक कोहेसिव फोर्स? आंसर बताइए इसका। तो लो टेम्परेचर विल फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉलिड स्टेट। किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में रहने के लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर उसके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके अपनी जगह छोड़ देंगे, तो वो सॉलिड स्टेट नहीं रहेगा। हाई थर्मल एनर्जी भी पहने भी, और वीक कोहेसिव फोर्स, जबकि हमें सॉलिड स्टेट में स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, तो इसका लो टेम्परेचर विल भी आंसर। नेक्स्ट, फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल्स आर। ऑर्थोरोम्बिक में एंगल बताने कौन कौन से होते हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा के बराबर होता है, बीटा गामा के बराबर, और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, इन अ सॉलिड स्टेट द कैटायन हैज लेफ्ट अ लिटिल साइट इन लोकेटेड
एट एन इंटरस्टिशियल पोजिशन द लेटेस्ट डिफेक्ट इज, एक सॉलिड स्टेट में कैटायन लेफ्ट कर चुका है लेटेस्ट साइड को और लोकेट हो गया है एक इंटरस्टिशियल पोजिशन पे, तो ये कौन सा डिफेक्ट है, ऐसा किस डिफेक्ट में होता है, एन टाइप, पी टाइप, फ्रेंकल डिफेक्ट या शॉर्टकी डिफेक्ट, आंसर बताइए, आंसर बताइए। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन जो यूजुअली कैसा होता है, स्मॉलर होता है, वो अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़ के एक इंटरस्टिशियल साइट पोजीशन पे जाके अटैच हो जाता है, जो ऐसा हमें फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन एचसीपी स्ट्रक्चर आर, एचसीपी के अंदर कितने, एचसीपी के अंदर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, 12, 4, 8 या 10, कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी के अंदर, तो आंसर विल बी 12, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, एक एटम 12 एटम के संग कोऑर्डिनेट करता है, अटैच होता है, तो 12 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe3O4 इज फेरीमैग्नेटिक एट रूम टेम्परेचर बट एट 850 केल्विन इट बिकम्स, Fe3O4 रूम टेम्परेचर पर फेरीमैग्नेटिक होता है, लेकिन जैसे ही हम इसे 850 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आंसर बताइए इसका, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। तो जब भी फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब भी हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो बहुत आसान सा सवाल है ये, जब भी फेरीमैग्नेटिक को हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ 1315 कंपाउंड, बहुत ही आसान है ये तो क्वेश्चन, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन सा 1315 कंपाउंड का एग्जाम्पल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है ये, तो इसमें से तुम्हारा कैडमियम सेलेनियम, सेलेनियम तुम्हारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है और कैडमियम तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि ग्रुप 12 के अंदर आता है, तो कैडमियम सेलेनियम ये तुम्हारा 1315 कंपाउंड नहीं है, बाकी तुम्हारे सब 13 और 15 कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्पेस लेटिस आर पॉसिबल इन अ क्रिस्टल, किसी भी स्पेस लेटिस के अंदर कितने क्रिस्टल बन सकते हैं, 23, 7, 230 या 14, आंसर बताइए जल्दी से इसका। तो 14 तरह के, 14 तरह के ब्रीवियाज लेटिस पाए जाते हैं, तो आंसर विल बी 14 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपाउंड फॉर्मड बाय एलिमेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक स्ट्रक्चर हुज बेयर एटम्स, ए एटम्स आर एट कॉर्नर ऑफ क्यूब और बी एटम्स आर एट फेस सेंटर, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, एक कंपाउंड है जो कि दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ए और बी से, ए के एटम कॉर्नर पे हैं, बी के एटम फेस सेंटर पे हैं, और तुम्हें फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो हमें पता है जनरली कॉर्नर पे एटम होते हैं, एट एटम होते हैं जो कि 1/8 होते हैं, तो कॉर्नर पे एटम होंगे 1, और जबकि फेस सेंटर्ड पे जो एटम होते हैं वो होते हैं 3, तो ए बी 3 विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एज लेंथ कितनी होती है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4√2r एज लेंथ होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स इन आ यूनिट सेल ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस ऑफ सिमिलर एटम इज, कितने टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं किसी भी FCC लेटिस में, तो जनरली जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स के ट्वाइस होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड कैसे निकलेंगे, FCC में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वही क्या हैं, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स, तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे 4, और टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने होंगे इसके दोगुने ट्वाइस, तो 8, तो 8 विल बी द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स इन FCC क्यूबिक लेटिस। ओके, तो ये तुम्हारे 15 क्वेश्चन थे इस सीरीज को देखने के लिए, थैंक यू, मिलते हैं एक नई सीरीज में, और ये कैसी सीरीज लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने तुम्हारे 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए या कितने क्वेश्चन गलत हुए उसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ऐसी अमेजिंग सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।